हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में एलएनएमयू पार्ट वन थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ डिटेल में। और साथ ही में फ्रेंड्स, आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो भी बताऊंगा, और इसके साथ आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के टाइम वो भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एलएनएमयू थर्ड मेरिट 2019 थर्ड राउंड फाइनल मेरिट लिस्ट अलॉटमेंट। इसका मतलब हुआ ये आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा बिल्कुल ही फाइनल ही है, इसके बाद कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। अब हम फ्रेंड्स इस आर्टिकल में पढ़ेंगे तो इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है, जो हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट सक्सेसफुली जारी कर दिया गया था, उसके बाद जो है इसमें लिखा हुआ है जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है वो आपका 12th मार्क्स के बेसिस के ऊपर किया जाता है फ्रेंड्स। और ये इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलएनएमयू थर्ड मेरिट लिस्ट सीट अलॉटमेंट रियल 2019। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट इज मेड बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया सेट अप बाय द अथॉरिटी। तो जो आपका अथॉरिटी सेट करता है उसके ऊपर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद है एलएनएमयू रिलीज मेरिट लिस्ट फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर द एडमिशन इन यूजी पीजी कोर्सेज। तो एलएनएमयू ने उन्हीं के लिए एडमिशन मेरिट लिस्ट निकाला था जिन्होंने यू जी पी जी कोर्सेज के लिए अप्लाई किया हुआ था। वंस एलएनएमयू मेरिट लिस्ट सीट अलॉटमेंट ऑर्डर इज पब्लिश्ड, कैंडिडेट वू आर हैप्पी विथ चॉइस प्रोसीड टू डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट राउंड। तो जो आपका मेरिट लिस्ट में आपका कॉलेज कन्फर्म हो जाता है, अगर आप हैप्पी है तो आप डॉक्यूमेंट और फ्यू पेमेंट मेथड से आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। और आगे लिखा हुआ दोज वू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मेरिट लिस्ट एंड इफ सीट रिमेन वेकेंट। इसका मतलब हुआ कुछ कैंडिडेट हैप्पी नहीं है जो उनका मेरिट लिस्ट में कॉलेज कन्फर्म हो गया है, और अगर सीट खाली है न्यू कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर सीट इन कंसर्न एफिलेटेड कॉलेजेस। इसका मतलब हुआ अगर सीट अभी भी खाली है कॉलेज में तो जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कंसर्न और एफिलेटेड कॉलेजेस में। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द सीट इन यूनिवर्सिटी एंड इज एफिलेटेड कॉलेजेस आर फील्ड। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ ये प्रोसेस तब तक चालू रहेगा जब तक कि आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो है सीट पूरा फुल नहीं हो जाता, यानी कि पूरा सीट भर नहीं जाता। स्टूडेंट्स कैन फाइंड दी डायरेक्ट लिंक टू मेरिट लिस्ट बिलो। तो अभी तक मेरिट लिस्ट आया नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, लोकेशन दरभंगा बिहार, और 1972 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट कॉलेजेस 43 और एफिलेटेड कॉलेजेस जो है 24 है। तो आपका फ्रेंड चिंता नहीं करिए, सभी का जो है थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा जो भी बचे हुए कैंडिडेट हैं। और उसके बाद एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ टू चेक एलएनएमयू यूजी एडमिशन मेरिट लिस्ट। तो आप ये सभी को पता ही होता है कि आपको कैसे चेक करना होता है, ऑफिशियल वेबसाइट lnmu.ac.in पर आ जाएगा। और उसके बाद जो है एलएनएमयू एडमिशन 2019 एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम देख लेते हैं कैसे होता है। बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड मेरिट लिस्ट इन द क्वालिफाइंग एग्जाम्स एलएनएमयू एडमिशन आर डन। तो जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है और जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है उसके ऊपर ये तैयार किया जाता है। द एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट फिलिंग इन अप्रैल। तो ये अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद जो है कैंडिडेट सबमिट फॉर्म विद डिटेल्स एंड कॉलेज एज पर देयर प्रेफरेंस। तो जो आपका कॉलेज आप चूज करना चाहते हो वो आप डिटेल में आपने सबमिट कर सकते हो। उसके बाद जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो ये सब जो है आपको एडमिशन के टाइम में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मार्कशीट और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमने ये पूरा आर्टिकल पढ़ लिया है, फिर भी अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके इसका आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।